दोस्तों आज इनका एक्सीडेंट का 8 दिन हो गया है, पैर में ऑपरेशन भी हो गया है, थोड़ा सा तबीयत में सुधार भी आया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इनका हालत ख़राब है क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से पूरा शरीर से ब्लड गिर गया और ऑपरेशन हुआ है, उससे थोड़ा भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो पूरा ऑपरेशन पूरा पैर में टका पड़ा है, तो थोड़ा परेशानी तो होता ही है, अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में है और सही से तबीयत खराब है, देर से ब्लड गिरा है इसलिए कुछ खा भी नहीं सही से पा रहे हैं। तो दोस्तों अब तो हम सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा रहते थे तो हम कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था, हमको कहीं से भी कोई उपाय करके कुछ भी कर लेते थे, और अभी सोचना पड़ रहा है, मेरे पास कोई नहीं है, अकेला है, और जैसे जैसे ये बताते हैं वैसे वैसे इधर उधर करके जो सामान जो दवा कुछ भी लाना भी होता है तो अकेले ही जाते हैं, अकेले देख रहे हैं, अभी कोई नहीं है, पर है बस एक तो मेरी सासू माँ यहाँ है और कोई नहीं, अकेला देखना पड़ रहा है, और अभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनका तबीयत अभी ख़राब है, रायल सही से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, ये अभी ब्लड चल रहा है, ब्लड चल रहा है, बहुत ज़्यादा भी परेशानी है, देखिए पैर से पूरा, हमको ये अच्छा रहते थे तो हमने सोचना कभी भी नहीं पड़ता था कोई भी चीज़ के लिए, अभी हर चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है, जांच के लिए जाना है, एक्सरे के लिए, बहुत सारा जांच वहाँ से अकेला लेके जाना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है अभी, तो बस हम आप लोग से यही विनती करते हैं कि बस आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए।